और चलिए अब सीधे बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सरकार सख्त हो गई है। बता दें आपको, लॉकडाउन तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। लगातार यहां पर कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आंकड़ा बुरी तरीके से बढ़ रहा है। सरकार तमाम कोशिशें कर रही है, लेकिन इसके बावजूद यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कहीं ना कहीं आम लोगों की भी लापरवाही देखने को मिल रही है। लॉकडाउन किया गया है और यहां पर आम जनता की सहूलियत के लिए किया गया है, लेकिन जनता है कि मानने को तैयार नहीं है। जनता को समझने की जरूरत है कि इटली की जो आबादी है वो 6 करोड़ है, वहां पर मौत का आंकड़ा किस तरीके से बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि वहां की स्वास्थ्य सेवाएं देखिए आप, बहुत बेहतर है। नंबर 2 की स्वास्थ्य सेवाएं हैं। भारत में 130 करोड़ की आबादी है। अगर यहां पर 30% आबादी भी कोरोना से प्रभावित हो गई तो हमारे पास इलाज के लिए अस्पताल में जगह नहीं बचेगी। इनिशियल स्टेज पर इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोग लॉकडाउन को नहीं मान रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, अभी तक मजाक में कोरोना को ले रहे हैं। इतना ज्यादा उन्होंने कोरोना को सीरियस लिया नहीं है, जो कि सबसे गंभीर बात है। और कुछ आज इसी के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 बजे जनता से संवाद करेंगे, क्योंकि कल ही उन्होंने ट्वीट किया था कि सरकार की जो चेतावनी है और लॉकडाउन जो है उसको आम जनता गंभीरता से नहीं ले रही है, राज्य सरकारें सख्त कार्रवाई करें। तो दिल्ली में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं पुलिस ने लोगों को सड़कों पर उतरने से रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर बैरिकेड्स लगाए हैं। इमरजेंसी सेवाओं से अगर आप जुड़े हैं तो ही आपको सड़कों पर जाने दिया जाएगा, वरना आपको रोककर वापस लौटा दिया जाएगा। वहीं जरूरी सेवाओं के लिए भी कर्फ्यू पास को जारी किया जाएगा। ऐसे में आपके पास कर्फ्यू पास होना जरूरी है। आज से हरियाणा के सभी जिलों को 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है। तो नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी होगी। और हरियाणा से ज्यादा अपडेट्स के साथ में हमारे ब्यूरो चीफ पानीपत से देवेंद्र कथूरिया जी हमसे जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, अगर इस वक्त की बात की जाए, 12 बज रहे हैं घड़ी में, ऐसे में लॉकडाउन का कितना असर देखने को मिल रहा है पानीपत में? देखिए गुरांशी, कल पहला दिन था लॉकडाउन का। कल पूरा मेरे को लगता है वायलेशन था। 20-25% लोग सड़कों पर थे और चिंता की बात थी। और दोपहर के बाद मुख्यमंत्री जी सामने आए, उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे, और संभवतः यही वजह है कि खतरे को भांपते हुए 7 जिलों के साथ पूरे 22 जिलों में लॉकडाउन है। आज लॉकडाउन का पानीपत में दूसरा दिन है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि कल जितने लोग हैं, लेकिन आज भी लोग सड़कों पर हैं। हमने अपने दर्शकों को दिखाया था सनोली रोड, जो पानीपत हरिद्वार रोड है, वहां पर सब्जी मंडी है, पानी की मुख्य सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में 700-800 की संख्या में लोग बिल्कुल सटे हुए सब्जी खरीद रहे थे। सरकार ने सुविधा दी, आप सब्जी खरीदिए, वहां किराने की दुकानें, आप राशन का सामान लीजिए, लेकिन लोग जिस तरीके से भीड़ भाड़ से परहेज नहीं करें, भीड़ भाड़ में अपने सामान की खरीदारी करें, बहुत खतरनाक संकेत है। हमने मंडी की आरतियों से बात की, सनोली मंडी आरती से, उन्होंने कहा कि ये खतरनाक तस्वीर हमारे सामने है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। आरती खुद मांग कर रहे प्रशासन से कि आप सब्जी मंडी को या तो बंद कर दीजिए या 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को, क्योंकि जिस भीड़ को हमने देखा, लोग आपस में मैन टू मैन कॉन्टेक्ट आराम से था। तो सब्जी मंडी पानीपत की बहुत खतरनाक तस्वीर पेश करी है। उसके अलावा सनोली रोड पर भी बहुत सारे लोगों की आवाजाही है। आपको मैं पीछे दिखाता हूँ, ये जीटी रोड है, पानीपत का जीटी रोड और नेशनल हाईवे नंबर 1 है जो दिल्ली की तरफ जाता है। आप देखिए बीच में इक्का दुक्का लोग अभी भी स्कूटरों पर, साइकिलों पर, पैदल अभी भी आ जा रहे हैं। हालांकि कल के मुकाबले रश कम है, लेकिन आज भी लोग सड़कों पर हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जेन्युइन रीजन से, सुबह हमारी लोगों से बात हुई, कोई बोले कि सब्जी मंडी में सब्जी लेने आए हैं, दूध लेने आए हैं, लेकिन अभी भी 12 बजने के बाद भी लोगों की आवाजाही है सड़क पर। इसका मतलब यह है कि लोग अनावश्यक कामों में भी उनका ध्यान लगा हुआ है, अनावश्यक कामों में भी सोचते हैं कि उसको निपटा ले। तो ये गैर जिम्मेदाराना रवैया बहुत भारी पड़ सकता है, और ये सरकार में बैठे लोग भी महसूस कर रहे हैं कि वायलेशन अभी भी कहीं ना कहीं हो रहा है, और यही वजह है कि सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। गुरांशी, देवेंद्र जी, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर ऑटो भी आराम से चल रहे हैं। जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन का मतलब ये है कि आप घरों पर रहिए, बहुत जरूरी काम हो तो ही निकलिए। मुझे समझ नहीं आ रहा ऑटो वालों को कौन सा जरूरी काम है। देखिए बिल्कुल, ये गैर जरूरी कामों के लिए गैर जरूरी मकसद से लोग बाहर अभी भी निकल रहे हैं। हम मान सकते हैं सड़कों पर जो लोग हैं, कुछ लोगों की जेन्युइन जरूरत हो सकती है, मजबूरी हो सकती है, लेकिन अभी भी लोग आप इक्का दुक्का आपको चलते हुए दिख जाएंगे। गाड़ियां कारें भी चल रही है, 4 व्हीलर्स जिसमें 2 आदमी 3 आदमी है। अभी एक गांव की मैंने ट्रॉली जाते देखी, कोई गांव का व्यक्ति ट्रॉली लेकर शहर में आया है। तो इस तरह की चीजें अगर होती रही तो सरकार के पास, हरियाणा के पास भी शायद ये विकल्प बचेगा कि दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ की तरह यहां भी
कर्फ्यू लग जाए, इस तरह की मांग मैंने लोगों से सुबह सुबह जब 9-10 बजे हमने देखा काफी लोग सड़क पर थे, सनोली रोड पर कुछ लोग मांग भी कर रहे थे कि लोग मानने वाले नहीं है, लोग तभी मानेंगे जब कर्फ्यू लगेगा, पूरी तरह घरों में कैद होंगे तब ये मानेंगे, अभी भी लिबर्टी ले रहे हैं लोग, इस छूट का थोड़ा बहुत फायदा अनावश्यक तौर पर अभी भी ले रहे हैं, और सरकार की सख्त हिदायतों का भी मेरे को लगता है असर हो रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना जरूरी है, तो लिहाजा ये लोगों की जो मूवमेंट है इसको पूरी तरह रोकना जरूरी है, तभी माना जाएगा कि पूरा हरियाणा लॉकडाउन है। गुरांशी देवेंद्र जी, जिस तरीके से आपने बताया भी कि लोगों का भी यही मानना है कि जब तक कर्फ्यू नहीं लगेगा तब तक यहाँ पर लगता नहीं कि जनता सुधरेगी, ऐसे में जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो भी यही आ रही है कि अगर लॉकडाउन का पालन यहाँ पर हरियाणा में लोग नहीं करते हैं तो इसे कर्फ्यू में बदल दिया जाएगा, आपको लगता नहीं है कि कर्फ्यू की जरूरत है इस वक्त हरियाणा में? देखिए गुरांशी, मैं ये मानता हूं लोग डंडे के आगे सीधे हैं, आप देखिए परसों जब कर्फ्यू प्रधानमंत्री जी का आह्वान था, जनता कर्फ्यू था, एक तो नाम कर्फ्यू था, जनता का कर्फ्यू, जनता को इन्वॉल्व किया गया था और अपील प्रधानमंत्री की थी, उसका पूरा असर देखा, लेकिन अगले ही दिन हालांकि लॉकडाउन था लेकिन लोग फिर अपने आते सुधारने की बजाय लोग सड़कों पर निकलने लगे, गैर जिम्मेदाराना रवैया जो उनका था वो सामने आया, इसी वजह से हरियाणा में 7 जिलों के बाद बाकी 15 जिलों में भी कुल 22 जिलों में लॉकडाउन की स्थिति है, और अब जिस तरीके से अनिल विज साहब की हम बाइट देख रहे थे सरकार में, और लोग जो बैठे हैं वो भी कह रहे थे कि सख्ती करनी जरूरी है, जैसे दिल्ली के गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री ने कल कहा कि हम कर्फ्यू लगा सकते हैं, मतलब लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने अपनी आदतें नहीं सुधारी, अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा तो सरकार कर्फ्यू लगाएगी, फिर आप घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हरियाणा के भी मेरे को लगता है कई जगह पे यही कमोबेश यही स्थिति नजर आ रही है, और सख्ती सरकार कर रही है, थोड़ा बहुत असर है, लेकिन अभी भी लोग लिबर्टी ले रहे हैं और गैर जरूरी कामों से सड़कों पर आ रहे हैं। देवेंद्र जी, यहाँ पर ये कौन सी मानसिकता है कि जब जनता कर्फ्यू था तो लोग घरों पर थे, लेकिन जब सरकार की तरफ से लॉकडाउन का आदेश हुआ उसके बाद लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं, हमें समझने की जरूरत है